हे गाइस, वेलकम बैक टू अप्रिस्ट टीचर स्कूल। मैं हूँ अमोल और आज हम ये जो कार है ओके इस कार को हम बनाएंगे ओके। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रूड किया और एक्सट्रूड करने के बाद देखो इस तरह से दिखेगा ये। और ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसको मैं इस तरह से एडजस्ट करूँगा ओके। और ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे वी प्रेस करके इधर नीचे स्नैप कर दूंगा ओके। सीधे साम ये जो वर्टेसेस है इसको इस तरह से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। टॉप व्यू में जाके भी देखेंगे ओके। तो टॉप व्यू में जाके जो एज है इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने एक्सट्रूड किया ओके। तो सीधे यहाँ पे मैं इस तरह से एक्सट्रूड करके ये जो वर्टेक्स है इसको सिलेक्ट करके इस तरह से एडजस्ट करूँगा ओके। तो सीधे ओके, और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैंने इस तरह से स्नैप करके एडजस्ट कर रहा हूँ ओके। और मैं इसको देख रहा हूँ ओके से दिस ओके। जब भी लाइक आप कोई भी पार्ट बनाते जाओगे तो उसको हमेशा पर्सपेक्टिव में चेक करना है ओके। तो ये जो वर्टिसेस इनको मैं मर्ज कर दिया। अगेन ये एज है, इस एज को सिलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड करूँगा और एक्सट्रूड करके इसको मैं एक्सट्रूड ओके। तो इस तरह से स्केल किया ओके, समथिंग लाइक दिस। और ये जो वर्टेक्स है वी प्रेस करके हम इधर नीचे स्नैप कर देंगे और इसको हमने मर्ज कर दिया ओके। सो इट्स मर्ज अगेन ओके। टॉप व्यू में ठीक है, टॉप व्यू में भी सही लग रहा है ओके। और तीन प्रेस करके एक बार चेक कर लेता हूँ कैसे शेप दिख रहा है ये ओके। से दिस, तो इस तरह से ये दिख रहा है ओके। सो अगेन आई सेलेक्ट दिस एज और इस एज को सिलेक्ट करके मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा ओके। और इस तरह से इसको आगे लेके जाएंगे और अगेन ये वर्टेक्स सिलेक्ट करके इसको मैं इधर स्नैप करूँगा ओके। टॉप व्यू में जाके देखेंगे तो ये जो वर्टेक्स है इस तरह से है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ ओके। इसको मर्ज कर देंगे ओके, इसको मर्ज किया मैंने। इसको मर्ज करने के बाद अगेन ये जो नीचे का जो एज है इसको सिलेक्ट करके हम इस तरह से एक्सट्रूड करेंगे ओके। और एक्सट्रूड करने के बाद इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे टॉप व्यू में। और ये जो वर्टेक्स है इसको मूव टूल से लेकर के थोड़ा सा एडजस्ट ओके, थोड़ा सा इसको चेक करना है हमको ओके। बेसिकली मैं कौन सा पार्ट मूव कर रहा हूँ, कौन सा वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स है, इसको थोड़ा सा इधर लेके आएंगे। इसे मूव किया मैंने, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम ओके। और ओके ऐसे कुछ समथिंग लाइक दिस। और इसको ऊपर लेके जाते हैं ऐसे, वहाँ पे रखेंगे एंड देन अगेन विल एक्सट्रूड दिस। यहाँ पे इस तरह से और एक बार एक्सट्रूड कर दिया ओके। और फिर टॉप व्यू में जाके चेक करेंगे, रिस्पेक्टिव में चेक करा तो इस तरह से दिख रहा है ओके। एंड टॉप व्यू में जाके जो नीचे का वर्टेक्स उसको सिलेक्ट किया मैंने और इस तरह से एडजस्ट करूँगा। एंड आई सेलेक्ट दिस वर्टेक्स ऑल्सो और इसको इस तरह से, इवन ये वर्टेक्स भी और इसको भी एडजस्ट करूँगा। थोड़ा सा वियर्ड है ना, तो देखो हाँ ये ऐसा शेप है सीधे, तो मैंने उल्टा सुल्टा किया था, बड़ा भी सीधा हो गया ओके। एंड ये ओके, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट रखेंगे ओके। एंड एक इंसर्ट इज लूप टूल और यहाँ पर एक उप्स, तीन नहीं चाहिए हमें, सिर्फ यहाँ पे एक डालना है। तो यहाँ पे मैं इसको रिसेट कर देता हूँ और यहाँ पर इस तरह से मैंने एज ऐड कर दिया। एंड देन ये जो वर्टेक्स है ओके, इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके हम इनको पहले स्नैप करेंगे एंड देन मर्ज। और इसको भी वी प्रेस करके स्नैप करेंगे ओके। सर इस तरह से स्नैप, उसको मूव कर दिया उधर एंड ओके समथिंग लाइक दिस। मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इनको शेप को, इसको ऊपर वाले को मर्ज कर देंगे ओके। मर्ज करने के बाद ओके आई एम जस्ट एडजस्टिंग द वर्टेसेस। यहाँ पे बेसिकली शेप जो है वो राउंड आना चाहिए। तो अभी ये जो नीचे का वर्टेसेस उससे लेकर के मैं आगे लेके गया और इसको भी मैं इस तरह से आगे लेके जा रहा हूँ ओके। देयर इज ओके, सो डिफाइन ओके। ओके ये जो वर्टेक्स है इसको एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। तीन पे करके चेक करते हैं कैसे दिख रहा है वो, ठीक है।
सो गुड लग रहा है शेप. थोड़ा वर्टिसेस हमको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा. ओके गाइस, यहाँ पे मैं ये जो वर्टिसेस है इनको एडजस्ट कर रहा हूँ. ओके, सेव दिस तरह से. और फ्रंट में कुछ इस तरह से दिख रहा है, साइड में तो सही है. ओके, कोई भी एक प्रोफाइल आपको फॉलो करना है. ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्योंकि ब्लू प्रिंट है थोड़ा आगे पीछे रह गई. ओके, थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है ब्लू प्रिंट में. तो इस एज को सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर दिया, और ये जो वर्टेक्स है नीचे का यहाँ पे इस तरह से, एंड ऊपर वाला वर्टेक्स कुछ इस तरह से, हम थोड़ा सा उसको ऊपर लेके जाएंगे. एंड तो ये जो शेप है थोड़ा सा, okay, मैं ऐसे रख रहा हूँ. लेट्स सी, लाइक अभी ऐसे दिख रहा है वो शेप, बट उसको हम करेंगे एडजस्ट. ओके, तो सॉल्व करेंगे. टॉप व्यू में इस तरह से दिख रहा है अभी. और ओके, जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ऐसे शेप दिख रहा है. इसको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे, ये वर्टेक्स भी अंदर की तरफ लेके आएंगे हम. ओके, और ये जो वर्टेक्स है इनको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आएंगे. ओके, और हम जस्ट एडजस्टिंग यहाँ पे वर्टेक्स को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ. ओके, तो इस तरह से ये जो वर्टेक्स है इनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे. ओके, इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ, और इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ हम खींचेंगे. ओके ओके, अभी ये जो एज है इसको मैंने डिलीट कर दिया. ओके, और मल्टी कट टूल से सपोज मैंने कुछ इस तरह से इसको ये किया. ओके, एंड लेट्स एडजस्ट द वर्टिसेस, इन वर्टिसेस को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ. ओके, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे. ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ. और ये इधर का, तो ये एक एज फ्लो उसका फॉलो होना चाहिए. ओके, तो वो मेन पर्पज है. ये इसको थोड़ा सा बाहर लेके आएंगे, इसको थोड़ा सा अंदर ऐड करेंगे, इसको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे वो जो वर्टेक्स है इनको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इस तरह से. ओके ओके, नाउ यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड से, तो यहाँ पे अगर मैंने इस तरह से एज लूप डाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है. ओके, टॉप व्यू में जाके चेक करते हैं. ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. ओके, वर्टेक्स को, ये जो वर्टेक्स इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे, इसको भी थोड़ा सा बाहर, इसको भी थोड़ा सा बाहर, ये भी और थोड़ा सा बाहर खींचेंगे. एंड यस, इस तरह से मैंने किया. ओके, एंड देन ओके, इसको भी सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा ये करेंगे. ओके ओके, एंड अभी जैसे फ्रंट व्यू में अगर देखेंगे 3 पेस करके देखने के बाद. ओके, तो यहाँ पर ये जो फ्रंट प्रोफाइल है. ओके, लाइक ओके, तो इसके वर्टिसेस सिलेक्ट करके थोड़ा सा उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे. देखिए, इसको भी थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पे इस तरह से इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ. ओके, एंड चेक करते हैं. ओके, तो 3 प्लेस करके चेक करेंगे. ओके, तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके गया, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस तरह से. ओके, थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है मेरे से. ओके ओके, सो फार सो गुड. ओके, तो इस तरह से ये जो शेप है ये शेप बन गया. एंड देखो, तो इस तरह से दिख रहा है. ओके गाइस, एंड सो आई होप ये देखो इस तरह से दिस. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है. ओके गाइस, तो इतना पार्ट हमने बनाया. ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा गाइस. ओके, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू चैनल.
ओके, और इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेसन गाइस, बाय.